हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में का, जो बायोलॉजी 2024 के लिए बच्चे अप्लाई अपियर करने वाले हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर एंड रिलेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फिर से एक बार पहले हम 2022 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आए थे, फिर हम 2023 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे कौन सा क्वेश्चन इन टेक्स्ट है, कौन सा क्वेश्चन एक्सरसाइज से आया है, और फिर आपको मैं इस साल आने वाले क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो सब लोग ऐप इंस्टॉल करके लो, क्योंकि ऐप पे आपको इतना सारा फ्री मटेरियल दिया जा रहा है और अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो ये फ्री मटेरियल से आप हाथ गवा बैठोगे, है ना। सो ऐप इंस्टॉल करके लो, देर नहीं करना है क्योंकि फ्री में मिल रहा है और फ्री की चीज कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं अपना 2022 का पीवाईक्यू। 2022 में चैप्टर नंबर 6 में से कौन से क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले डेफिनेशंस आया था, डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए था। ठीक है, डिफाइन द फॉलोइंग ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक, कंबाइंड वाटर, कैपिलरी वाटर, दिस वॉज इन टेक्स्ट। इसमें से ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का था, बाकी के 3 क्वेश्चन इन टेक्स्ट थे। ठीक है, फिर उसके बाद आया था गिव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये भी एक्सरसाइज से था एंड दिस इज फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, फिर उसके बाद आया था विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एक्सरसाइज एंड दिस इज फॉर 3 मार्क्स। तो कितना मार्क्स हो गया, 2, 2, 4 + 3, 7। तो 7 मार्क्स में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज से आया है और 2 मार्क का क्वेश्चन इन टेक्स्ट आया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट 2023 के PYQs। 2023 में पहला क्वेश्चन MCQ फ्लैसिड सेल TP वगैरह वाला, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अपना जो फ्लैसिड सेल होता है उसमें टर्गर प्रेशर 0 होता है, करेक्ट। टर्जिड सेल में DPD 0 होता है, करेक्ट। फुली टर्जिड सेल में TP = 2 OP, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज नेगेटिव। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, 0। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट। हाँ, अभी बहुत सारे बच्चों का ये भी इधर पे बोलना है कि मैम हमको इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी चाहिए। तो बच्चों, YouTube पे ऑलरेडी सोल्यूशन वीडियो अवेलेबल है। क्या वीडियो डालना है आपको, बायोलॉजी 2022 सोल्यूशन एनालिसिस ज्ञान लैब, बायोलॉजी 2023 सोल्यूशन एनालिसिस ज्ञान लैब। आप ऐसा डालोगे तो आपको ऑलरेडी ये वीडियो, पूरा पेपर मैंने सॉल्व किया है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो इसके लिए अलग से बार बार सेम चीज का वीडियो नहीं बनाने वाली मैं, इसीलिए सब लोग वो सोल्यूशन वाला वीडियो देख लो। तो आपको कम से कम ऑब्जेक्टिव के आंसर्स मैंने उसमें पक्का बताए हैं। ब्रीफ आंसर्स भले ही नहीं दिए होंगे, पेज नंबर बताया होगा, पर ऑब्जेक्टिव के आंसर्स मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया है। तो सब लोग वो वीडियो जाके देखो, या वो वीडियो मैं इस डिस्क्रिप्शन के नीचे पिन कर दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ठीक है, ओके, तो देखो ये क्वेश्चन आपका इन टेक्स्ट है, ये एक्सरसाइज में नहीं है। सो दिस इज फॉर 1 मार्क। फिर ये 1 सेंटेंस, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हैविंग बोथ किडनी एंड डंबल शेप, ये भी आपका इन टेक्स्ट है, 1 मार्क। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका, मोनोकॉटिलेडोनस ग्रासेस एंड साइप्रस प्लांट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स है, आपको टेक्स्ट बुक में ही मिल जाएंगे, ग्रासेस एंड साइप्रस। फिर क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज फॉर 2 मार्क्स, डिफाइन इम्बिबिशन, ये एक्सरसाइज में है, ये भी एक्सरसाइज में है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज से आया। गिव रीजन वॉटर एक्ट एज थर्मल बफर, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, सेक्शन सी का क्वेश्चन है। तो दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज एंड ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ रूट हेयर, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एक्सरसाइज। देखो ये डायग्राम 2023 में भी आया था और 2022 में भी आया था, जब मैं चैप्टर 6 पढ़ा रही थी तो मैंने अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोला था कि रूट हेयर का डायग्राम और रीजन ऑफ रूट जो फर्स्ट पेज पे दिया गया है, डिफरेंट रीजन ऑफ रूट, मेरिस्टमैटिक रीजन, रीजन ऑफ वॉटर एब्जॉर्प्शन, रीजन्स वाला डायग्राम और रूट हेयर का डायग्राम, ये कंपलसरी बोर्ड में आता ही आता है चैप्टर नंबर 6 में से। तो देखो इधर पे भी कितने मार्क्स हो गए, 3 + 2 = 5, 6, 7। तो मतलब 7 मार्क्स ऑन एन एवरेज इस चैप्टर का वेटेज फॉलो हो रहा है, जो कि ज्यादा है क्योंकि नॉर्मली इस चैप्टर का वेटेज 4 से 6 मार्क्स होता है, पर 2022 में भी 7 मार्क्स के लिए आया, 2023 में भी ये चैप्टर 7 मार्क्स के लिए आया, जिसमें से इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे और एक्सरसाइज में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए। तो मतलब इसका एक्सरसाइज भी करके जाओगे तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, तो 7 मार्क्स का इसका वेटेज बन रहा है, जो बोर्ड से थोड़ा अलग है। मैंने जो बोर्ड का वेटेज बताया था उसमें ये चैप्टर का वेटेज 4 to 6 मार्क्स था,
लेकिन 2022 और 2023 में ये चैप्टर 7 मार्क्स के लिए आया, तो इस साल भी हो सकता है कि 7 मार्क्स के लिए इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आए। ये चैप्टर्स आपको कंपलसरी करने हैं, ये क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करने हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हो, तो देखो इस साल के लिए वेटेज 5 to 7 मार्क्स का हो सकता है। अभी इसमें से आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंपलसरी करना है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं होता है, मैं उसका इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ क्योंकि कुछ भी आ सकता है। हाँ, जो ब्रीफ क्वेश्चन है उसमें से मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ, तो दिस इज एज पर माई ओपिनियन कि मुझे ऐसा लगता है कि इन इनमें से कोई क्वेश्चन आने के चांसेस है। सारे ब्रीफ आंसर्स करने से अच्छा है कि कम से कम जो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो क्वेश्चंस करके जाएंगे तो एटलीस्ट पास होने के चांसेस है। और ये किसके लिए बता रही हूँ मैं, ये उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने साल भर बायोलॉजी कुछ नहीं किया है और फिर रोते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, अब हम क्या पढ़े क्या पढ़े। तो समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, और अगर आपने सच में साल भर कुछ नहीं किया है तो कम से कम इतना कर लोगे तो भी आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन और उसका मैकेनिज्म, स्टोमाटा कैसे ओपन और क्लोज होता है, वापिस से ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंस, मतलब ये क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। नेसेसरी इविल, फिर से ट्रांसपिरेशन, देखो ट्रांसपिरेशन रिलेटेड आपकी टेक्स्ट बुक में ना 3 से 4 क्वेश्चन है, उसमें से ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर रूट में कैसे मूव होता है, एड्सॉर्प्शन, इम्बिबिशन, ऑस्मोसिस, तो वो पाथवे आपको पढ़ना है। एक्सप्लेन द टर्म्स और ये डेफिनेशन, इनमें से कोई भी डेफिनेशन आ सकता है, तो ये 1-1 मार्क का डेफिनेशन है, इसको भी पढ़ के जाओगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डिस्टिंग्विश बिटवीन, इस चैप्टर में 2 ही है तो डिस्टिंग्विश बिटवीन भी पढ़ लो क्योंकि एक डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये मैकेनिज्म ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा जो हमने इधर पे पढ़ा, सेम चीज, डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, राइट ऑन द मैकेनिज्म, सेम चीज टेक्स्ट बुक में 2 बार रिपीट हुई है तो आपको कम से कम एक बार तो पढ़ ही लेना है ना। तो अगर आप चैप्टर नंबर 6 में से इतने क्वेश्चंस भी करके जाते हो, मतलब सारे ऑब्जेक्टिव्स कर लो और ये क्वेश्चंस कर लो, तो भी आप अच्छे से 4-5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो चैप्टर नंबर 6 में से, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 का सीईटी का भी वेटेज अच्छा खासा है, ठीक है। तो चैप्टर को ऑप्शन में मत रखना, कितना भी बोरिंग लगे चैप्टर करके जाओ। एनसीईआरटी वाला जो हमारा चैनल पे है इस पे हम डेली नीट के PYQ पोल्स अपलोड करते हैं, तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो क्योंकि इस पे आपको सारे लिंक और सारे अपडेट्स आते हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट के लिए यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन अवर ब्लॉगिंग चैनल लाइव्स बफरिंग, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। 26 जनवरी से अपना 1 शॉट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और सबसे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जल्दी जल्दी सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके रखो, महाराष्ट्र के बच्चों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करो, सेल्फिश मत बनो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप बच्चों की हेल्प करोगे आपको उतना ब्लेसिंग मिलेगा और आपके मार्क्स उतने अच्छे आने के चांसेस हो जाएंगे, है ना। ऑलवेज बी अ हेल्पिंग हैंड टू द सोसाइटी, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ चैनल शेयर करो ताकि सब लोग फ्री मटेरियल का फायदा उठा सके। ऑल द बेस्ट एवरीबडी, आई विल सी यू सून, सो प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस, बुक खोलो, पढ़ाई करो, सब हो जाएगा, अभी भी टाइम है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।